लोकसभा के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 26 मार्च से प्रदेश में चुनाव प्रचार का आगाज करने जा रहे हैं। उस दिन राहुल दिन भर में 3 जगह पर रैलियां करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल 11 बजे श्रीगंगानगर में रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद में दोपहर 1 बजे कोटा बूंदी में जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं पर शाम को जयपुर में शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीत का मंत्र देंगे। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने बताया कि प्रदेश के पूरे चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट मिलाकर के 75 रैलियों को संबोधित करने की योजना बनाई गई है। इसकी शुरुआत 14 मार्च से हो चुकी है और यह रैलियां 7 अप्रैल तक चलेंगी। इस दौरान राहुल गांधी खुद 12 रैलियों को संबोधित कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के प्रचार हेतु 26 मार्च को माननीय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं। ये एक कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है और ये सबसे आवश्यक, मैं ये कहना चाहूँगा कि इसकी शुरुआत गंगानगर से सुबह 11 बजे माननीय राहुल जी जनसभा के माध्यम से करेंगे, जो राजस्थान में लोकसभा चुनाव के प्रचार का आगाज होगा। वहाँ से फिर वो उनका बूंदी कोटा में जनसभा है और उसी दिन दोपहर को पूरे राजस्थान के हमारे जो बूथ के शक्ति कार्यकर्ता उनको वो संबोधित करें। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।